पाकिस्तानी सेना भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए लेवल की बातचीत को नाकाम करने की साजिश रच रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने इसके लिए खास योजना तैयार की है। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने एक खुफिया रिपोर्ट सेना प्रमुख को भेजी है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस रिपोर्ट की जानकारी दी है। सेना की उत्तरी कमान ने रेडियो इंटरसेप्ट और दूसरे खुफिया इंटरसेप्ट की मदद से पिछले 15 दिनों में पाकिस्तानी सेना के नापाक प्लान की जानकारी जुटाई है। इसके मुताबिक कश्मीर घाटी में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए 2 आतंकी ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें 5 से 6 आतंकी शामिल हैं। ये आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। इन आतंकियों की मदद साउथ कश्मीर में मौजूद लश्कर का लोकल कमांडर वसीम कर रहा है। इन हार्डकोर आतंकियों को श्रीनगर के आसपास मौजूद सेना और सुरक्षा बलों के कैंप पर आत्मघाती हमले का टारगेट दिया गया है। इन आतंकियों के निशाने पर खास तौर पर बादामी बाग में मौजूद 15वीं कोर का मुख्यालय शामिल है। एनएसए लेवल की बैठक से पहले गृह मंत्रालय पाकिस्तान को आतंकवाद और भारत में हुए हमलों से जुड़ा डोजियर सौंपेगा। इस डोजियर में दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, लखवी, मुंबई हमला और आतंकी नवीद के पाकिस्तानी होने से जुड़ी सारी जानकारियां हैं। डोजियर में 50 मोस्ट वांटेड की लिस्ट भी शामिल की गई है। वहीं मुंबई हमले की जांच में जानबूझकर की जा रही देरी का सबूत भी है। डोजियर में हाफिज सईद, दाऊद और गुरदासपुर हमले और जीपीएस डिटेल्स को लेकर भारत की तरफ से लिखे पत्र पर पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं देने की बात भी है। उधमपुर हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकी नवेद से पूछताछ की पूरी जानकारी पाकिस्तान को दी जाएगी। इस जानकारी में नवेद का वो कबूलनामा भी होगा जिसमें उसने पाकिस्तान के फैसलाबाद के टोकियानवली में रफीक कॉलोनी में अपना घर होने की बात बताया है। भारत पाकिस्तान को आतंकी नवेद के साथ आए उसके साथ ही नुमान की तस्वीर और आतंकी मोहम्मद भाई और अबू ओकासा का स्केच सौंपेगा। भारत पाकिस्तान को आतंकी नवेद के ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी देगा। वहीं इसमें शामिल ISI के अफसर का नाम और रैंक के साथ ही 25 लश्कर के आतंकियों की जानकारी भी देगा। गुरदासपुर हमले को लेकर पंजाब सरकार ने भी डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर को पंजाब सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी जिसे एनएसए लेवल की वार्ता से पहले पाकिस्तान को दिया जाएगा। पाकिस्तानी आतंकी नवेद को दिल्ली से कश्मीर घाटी ले जाया गया है। एनआईए की टीम विशेष विमान से पाकिस्तानी आतंकी नवेद को किसी अज्ञात जगह पर ले गई है। दिल्ली में आतंकी नवेद का करीब 10 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। कश्मीर घाटी में एनआईए की टीम आतंकी नवेद को उस रूट को दोहराने के लिए कहेगी जिसके जरिए वो उधमपुर तक पहुंचा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। बिहार सम्मान समारोह में नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मंच पर साथ साथ दिखे। नीतीश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र दिल्ली के सरकार को जानबूझकर परेशान कर रही है। नीतीश कुमार ने सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को अपना मुख्य सचिव भी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार का न्योता स्वीकार किया। केजरीवाल एक सरकारी काम में हिस्सा लेने बिहार जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम पर निशाना साधते हुए चुनाव से ठीक पहले बिहार के लिए करोड़ों रुपए के मदद के ऐलान को गलत ठहराया। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित बिहार सम्मान समारोह में शामिल होने आए महिलाओं और पुरुष के काले रंग के कपड़े उतरवा लिए गए। ये सब कुछ ठीक उस वक्त हुआ जब अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार मंच पर पहुंच रहे थे। पुलिस के जवान अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के आने से पहले तलाशी लेकर काले रंग के कपड़ों को एक टेबल पर रखवाया। तलाशी के दौरान महिलाओं के काले रंग के दुपट्टे भी जमा करवा लिए गए। पुलिस ने एहतियातन काले रंग के कपड़े जमा करवाए। पिछली बार नीतीश कुमार को प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए गए थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में हुए बिहार सम्मान समारोह को हास्यास्पद बताया। मनोज तिवारी ने कहा कि समारोह में बिहार के लोगों के सम्मान की बात की गई, लेकिन इस कार्यक्रम में सम्मान के नाम पर राजनीति की गई। मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। ये बहुत ही हास्यास्पद सम्मान था, सांस्कृतिक मंच बना था। कहा गया था कि हम ये सांस्कृतिक मंच है, यहाँ पे बिहार का सम्मान होगा, लेकिन हुई बिल्कुल शुद्ध और शुद्ध राजनीति। बुधवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट की मांग की। आम आदमी पार्टी ने इसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर भी गलत बयानी और डिस्कॉम का साथ देने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महंगी बिजली के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों के कारण ही डिस्कॉम में करप्शन को बढ़ावा मिला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को महंगी बिजली देने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बिजली कंपनी को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि बीजेपी काफी पहले से बिजली कंपनियों के ऑडिट की मांग करती रही है।
केंद्र सरकार द्वारा महंगी बिजली देने के आरोपों पर सतीश उपाध्याय ने कहा कि केंद्र पर हर दिन आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की आदत है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की नकल उतारी। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि नरेंद्र मोदी का भाषण प्रधानमंत्री के गरिमा के मुताबिक नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के सहरसा रैली में बिहार पैकेज के ऐलान से जुड़ी बातों का नकल कर पीएम मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र के दो दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौट गए हैं। राहुल गांधी ने दो दिन के दौरे में जहां चुनाव क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, कई मौके पर लोगों से रूबरू भी हुए। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष को जनता के निजी सवालों का सामना भी करना पड़ा। युवाओं ने राहुल गांधी से पूछा, भैया कब लाओगे भाभी। अमेठी में लखनऊ जाते वक्त राहुल गांधी ने सड़क हादसे में घायल की रुककर मदद की। सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को देखकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपना काफिला रुकवाया और काफिले में मौजूद एम्बुलेंस में घायल का प्राथमिक उपचार करवाया। राहुल गांधी घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के बाद दिल्ली के लिए निकले। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है AIIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। रविवार को किशनगंज की रैली के बाद ओवैसी बिहार के सीमांचल इलाके में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। AIIMIM की नजर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के 24 विधानसभा सीट पर है। FTII में बढ़ते विवाद को अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 3 सदस्यीय पैनल देखेगा। न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार SM खान इस पैनल का नेतृत्व करेंगे। IB मिनिस्ट्री का यह पैनल विवाद से जुड़े तमाम वजहों की जानकारी लेगा। वहीं बुधवार की रात गिरफ्तार किए गए FTII के 5 छात्रों को जमानत मिल गई है। FTII के छात्रों ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में छात्रों ने निदेशक से सवाल किया है कि कैसे उनको टॉर्चर किया गया। FTII के निदेशक ने मंगलवार को छात्रों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया था, जिसमें 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज में छेड़छाड़ के मामले में प्रिंसिपल वॉल्सन थम्पू को दिल्ली महिला आयोग ने हिदायत दी है। महिला आयोग ने प्रोफेसर थम्पू को UGC को पत्र लिखकर सुपरवाइजर बदलने को कहा है। वहीं इस मामले में आरोपी प्रोफेसर सतीश कुमार को महिला आयोग ने एक बार फिर 26 अगस्त को बुलाया है। 10वीं में दोबारा शुरू हो सकती है बोर्ड परीक्षा और पास फेल का सिस्टम। दिल्ली में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक में पास फेल सिस्टम दोबारा शुरू करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के साथ ही 19 राज्यों के शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। देश में प्याज की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए अफगानिस्तान से प्याज मंगवाया गया है। पाकिस्तान के रास्ते फिलहाल 40 टन प्याज लाया गया है। अफगानिस्तान से आने वाला प्याज 30 रुपए के हिसाब से बेचा जाएगा। व्यापारियों का मानना है कि अफगानिस्तान से प्याज की खेप आते ही भाव में गिरावट आएगी। दिल्ली सरकार के सस्ती प्याज बेचने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दिल्ली में सरकार के 280 प्याज केंद्रों पर ग्राहकों को प्याज नहीं मिल रहा है। वहीं दिल्ली सरकार और नेफेड में प्याज को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। नेफेड ने प्याज नहीं मिल पाने के मामले में दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया है। दिल्ली में लगातार प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। 1 किलो प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं नेफेड का दावा है कि लोगों को सस्ते में बेचने के लिए दिल्ली सरकार अब भी नेफेड से 2000 मैट्रिक टन प्याज खरीद सकती है। बाबा साहेब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिए जाने का कोल्हापुर में जमकर विरोध हुआ। संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पुणे बेंगलोर हाईवे को रोकने के लिए सड़क पर टायर जलाया। प्रदर्शनकारियों ने बसों पर पथराव भी किया। दिल्ली के 4 NGO ने एक विमान कंपनी के साथ मिलकर 140 बच्चों को मुफ्त में हवाई यात्रा कराई। फैंटेसी फॉर फ्लाइट नाम से आयोजित इस प्रोग्राम में क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी हिस्सा लिया और बच्चों के साथ जमकर मस्ती की। इस प्रोग्राम में युवराज के NGO यूवी कैन भी शामिल था। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सर्वाइकल कैंसर, लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कंसर्ट के बहाने युवाओं को समाज के संवेदनशील मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की गई। कैथल में आरक्षण की लड़ाई के लिए जाटों ने युवा जाट सेना का गठन किया है। 28 सितंबर तक 2,00,000 युवाओं को युवा जाट सेना में भर्ती किया जाएगा। आरक्षण के लिए इस भर्ती अभियान में सोशल मीडिया और दूसरे प्रचार माध्यम की भी मदद ली जा रही है। मेघालय में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने की खबर है। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में लैंडस्लाइड होने की वजह से सिलचर जाने वाला सड़क प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे से लगातार हुई बारिश से मेघालय के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। गारो हिल्स में भी लैंडस्लाइड की खबर है। गोंडा में घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने 11 बाढ़ चौकियों को सतर्क किया है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की खबर है। लड़की सिक्किम की रहने वाली है। नई दिल्ली जिले के बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील चौधरी को हिरासत में ले लिया है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में एक युवक की मौत और लाश को पुलिस द्वारा ही जलाने के बाद हंगामा मच गया। मृतक मदन सिंह के भाई ने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच ने 10 अगस्त को मदन सिंह को चोरी के आरोप में पकड़ा था। थाने में जुर्म कबूलने के लिए मदन सिंह की पिटाई की गई। आरोप है कि पुलिस ने मदन सिंह के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया। पुलिस अधिकारी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संभल के कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में ब्लास्ट होने की खबर है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पड़ोस के मकान की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर एक लड़के और एक लड़की की मौत हो गई। संभल पुलिस का कहना है कि आतिशबाजी का सामान बनाते समय विस्फोट हुआ। विस्फोट होने वाले मकान से भारी मात्रा में बारूद और विस्फोटक जब्त किया गया है। बेंगलुरु में एक चेन झपटमार गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने महिलाओं के गले से सोने का चेन छीनने वाले गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ा है। अमेठी के मुसाफिर खाना इलाके में गोमती नदी में एक नाव पलटने से 10 लोग डूब गए। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोगों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। नाव पर करीब 12 लोग सवार थे। गांव में नदी पर पुल नहीं होने की वजह से नाव के जरिए लोग गांव में आना जाना करते हैं। अलवर जेल में एक बांग्लादेशी कैदी के फरार होने के बाद पुलिस गिरफ्त में आने की खबर है। बांग्लादेशी कैदी को पकड़ने के लिए अलवर में करीब 2.5 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में रेलवे स्टेशन से बांग्लादेशी कैदी को पकड़ लिया गया। बांग्लादेशी कैदी को जैसलमेर के बॉर्डर एरिया से बिना पासपोर्ट के गिरफ्तार किया गया था। नोएडा एक्सप्रेसवे पर अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी से एक्सप्रेसवे पर होने वाले एक्सीडेंट की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप एक्सप्रेसवे पर चलने में आने वाले खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। फरुखाबाद के आवास विकास पुलिस चौकी पर अजब नजारा देखने को मिला। एक दारोगा ने सिपाही की जबरदस्त तरीके से लाठी से पिटाई की। दारोगा की दबंगई के आगे सिपाही चुप बैठा रहा। पिटाई करने वाला दारोगा रेलवे रोड चौकी इंचार्ज इंद्रपाल सिंह यादव है। महाराष्ट्र चंद्रपुर के गालीबाज तोते को वन विभाग के जेल में भेज दिया गया है। तोते पर अपने पड़ोसी को आए दिन गाली देने का आरोप था। तोता को पीड़ित महिला के सौतेले बेटे ने गाली की ट्रेनिंग दी थी। महिला की शिकायत पर तोते को लॉकअप में डाला गया। वहीं महिला तोते को गाली सिखाने के आरोपी अपने सौतेले बेटे पर कार्रवाई की मांग भी कर रही है। सूरत के एक होटल में एक लड़की को जलाकर मारने की खबर है। मृतक अपने प्रेमी के साथ होटल के कमरे में आई थी। प्रेमी को शक था कि लड़की किसी और के साथ भी संबंध रखती थी। होटल के कमरे से धुआं निकलने के बाद होटल स्टाफ ने आरोपी प्रेमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला जेल में कैदियों की तलाशी के दौरान घायल जेलर धीरज सिन्हा का इलाज चल रहा है। जेलर अचानक तलाशी लेने पहुंचे थे। हमले में धीरज के बैक साइड की हड्डी टूट गई है, जिसका ऑपरेशन कर दिया गया है। जेलर ने बताया कि उनको खबर मिली थी कि बैरकों में कुछ आपत्तिजनक सामान है, जिसकी तलाशी लेने के लिए वो जेल पहुंचे थे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते जब दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी, तभी हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित एक सांसद आवास में एक चोर बड़े आराम से घुसा और सिलेंडर उठाकर चलता बना। 3 दिनों तक किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी। जब चूल्हा जलाने की जरूरत पड़ी तो सिलेंडर के गायब होने पर हैरत हुई। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सिलेंडर चोर के दर्शन ने सबको चौंका दिया। पुलिस को सूचना दी गई। वारदात झारखंड से राज्यसभा सांसद व कांग्रेसी नेता धीरज प्रसाद साहू की फिरोजशाह रोड स्थित कोठी नंबर 21 में हुई। अमेरिका में गुजराती परिवार पर हमले की और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना स्टेट में एक और वृद्ध दंपत्ति को
लूट के इरादे से गोली मारकर हत्या करने की खबर है। हत्या की वजह से भारतीय दहशत में हैं।